हेलो गाइस, दिस इज सिराजुद्दीन और आप देख रहे थे एंटरटेनर्स हब। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या है हमारा आज का टॉपिक, नहीं क्या है द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन यूट्यूब, यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सबकी लेते हैं। बहुत उंगली उठा ली बेटा, अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों भिखारी है तू? आज सुबह स्ट्रेचर पे लेटा के ही रहूंगा। क्यों कंपाउंडर है तू? आज सबके सामने तेरा कचरा करूंगा। क्यों रद्दी वाला है तू? अरे नहीं भाई, मैं टिकटॉकर हूँ। ये टिकटॉकर है तेरे को नहीं मालूम? मुझे इनबॉक्स में बोल रहे भाई आप क्यों इस झमेले में पड़ रहे हो, आपका नाम खराब होगा। भाई नाम नहीं खराब होगा, तो यहाँ पे टिकटॉकर्स का नाम आया है। बात रही यूट्यूबर्स की, तो तुम लोग यूट्यूबर्स में तो कते ही नहीं आते हो यार, ठीक है? थूक भी नहीं निकल रहा है। बात इस भाई के लिए मैं बोलूंगा, तुम ऐसी शक्ल बनाते हो ना जैसे गांड में हड्डी अटकी और पाद नहीं निकल रहा। भाई भाई को बोलना चाहता हूँ, अगर तुम मुंह टेढ़ा भींगा करके जो वीडियोस अपलोड करी इसको टैलेंट बोलते हो, तो मैं इसको टैलेंट नहीं कहता भाई। और अगर बात रही यूट्यूबर्स की, पहले अपना शक्ल सीधी कर लो, फिर आ जाना यूट्यूबर्स को बात बोलने भाई। और एक बात जो है, अगर आप इस मुजरे बंद के अकाउंट पे चले जाओगे टिकटॉक पे, जब आपको कुछ और वीडियोस ही नहीं दिखेंगे, बस ऐसे ही वीडियोस दिखेंगे, ऐसे ही वीडियोस दिखेंगे, ऐसे ही वीडियोस दिखेंगे। नो टैलेंट मतलब ये भाई के दिमाग में टैलेंट का मतलब है अपना शक्ल टेढ़ा विंगा करके डाल देना और वही टैलेंट है। फिर आ जाता है ये लोग यूट्यूबर्स को नाम रखने के लिए। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इनके कंटेंट एकदम धासु है, कतई जहर कंटेंट बनाते यार इन लोग। बट इनकी हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया, क्रिंज इंटू 100 हो गया। गाइस मेरे पास है आप लोगों के लिए एक नया चैलेंज, ये है अंडा, इसको आपको अपने सर पे फोड़ने का है ऐसे। और ये जो जनाब है इनका नाम है आमिर सिद्दीकी। पहले बोल देता हूँ ये वीडियो आमिर सिद्दीकी इंस्टाग्राम के IGTV से हमने ली, फिर बोलेंगे कॉपीराइट इश्यू हो गया, इसलिए हम पहले उनको क्रेडिट्स दे देते हैं, फिर बोलेंगे कॉपीराइट इश्यू। अरे ये यार ये लोग तो बहुत 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 कंटेंट देते हैं यूट्यूब का, ऐसे बोलो। और रही बात क्रिंज की, खुद वाहियात कंटेंट बनाते और टिकटॉक में डालते और हमको यूट्यूबर्स को आप क्रिंज बोलते हैं, हाउ? और ये क्या हुआ, ये कहाँ का लॉजिक है भाई, क्रिंज इनटू 100? हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है। हम आपके साथ, मैं, आप, हमारे एक दो मंत्री अभी मेरे कमरे में चलते हैं, 2-3-4 घंटे कर लेते हैं। अरे जाना पड़ेगा यार, घबराते क्यों हो, भागते क्यों हो, क्यों नहीं जाना चाहते? हम दोनों मिलके तो देखो एक बारी, हाँ तो कह के देखो, गलत तो नहीं कह रहा, करना है नहीं करना, ईमानदारी से आप करवा रहे नहीं कर रहे, ये हम पूछेंगे आपसे, तो करना है ना आप, तो करना, परेशान हो मतलब कितनों का उखाड़ लेंगे भाई, बोलो कितनों का उखाड़ लेंगे, इन सब लोगों का उखाड़ लेंगे क्या? तीसरी बात आती है कम्युनिटी सपोर्ट की। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। भोसड़ी के एक कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो, वैसे भी अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है, भाई बहन के वीडियो तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर के वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते रहते हो तुम लोग। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, इनके पास ना रहने को घर है
ना रोजगार है ना पैसा है, क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे। रही बात यूनिटी की, जब आपने YouTube कम्युनिटी पूरा उंगली उठा के दिखाया कि हम क्रिंज है, हम कॉपी करते हैं तुम्हारा कंटेंट, जब पूरे यूट्यूबर्स एक होके तुम्हारी मारने नहीं चले आते। और रही बात 3 वीडियो एक महीने में अपलोड करने की, हम 3 वीडियो अपलोड करें तो भी एक एक वीडियो में अच्छा सा अच्छा क्वालिटी मेंटेन करते हैं। और भाई एक वीडियो बनाने में घंटे लग जाते, सिर्फ वीडियो बनाने में घंटे लग जाते। उसके पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखना, उसका पूरा सोचना, और उसके बाद एडिटिंग, एफेक्ट्स लगाना, उसे कोई छोटा मोटा मजाक नहीं है भाई। रही बात आप लोगों की, जो मुजरा करके कमाते हो, आपका सिर्फ 15 सेकंड और इनबिल्ट एफेक्ट्स हो रहता है भाई, वो तो समझ लो आपने और हमारे में कितना फर्क है। समझ सोच समझ के फिर बात करना। आप लोग क्रिएटर्स बोलते हैं ना, क्रिएटर का मतलब क्या, आंखियों में वैसलीन लगा के ग्लिसरीन लगा के रोने का, उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं भाई। ये कहा कि क्रिएटिविटी भाई, और फेस को मेकअप लिपस्टिक लगा के अच्छा दिखने का, इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं। कैसी भाई, टट्टी करके, टट्टी को दिखा के, टट्टी गायब करके ट्रांजिशन बोलते हैं, ये कहा कि क्रिएटिविटी भाई। ऑन टिकटॉक ऑफिशियली, जी हाँ मैं टिकटॉक पर ऑफिशियली आ चुका हूँ, लेकिन वो करने नहीं, मैं एक्चुअली अपने वीडियोस पोस्ट करने आया हूँ। वो क्या है ना, मेरे वीडियोस चोरी हो के टिकटॉक पे इतने वायरल हो गए कि उसका क्रेडिट मुझे मिल नहीं रहा, इसीलिए मुझे टिकटॉक पर आना ही पड़ा। बात करूं तुमको एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात। मैं इधर हथकड़ी डाल के बैठे लाऊं, मैं मेरे को पीछे से थप्पड़ देगा और मैं ऐसा करूंगा, अरे वाह वाह और एक मार तेरी साले, एक हाथ मारूंगा ना खींच के सारी की सारी चर्बी बाहर आ जाएगी। और जहां तक रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा, तो मैं आज ये बातें कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके। और मैं मेरी कम्युनिटी के बारे में बोलूं तो हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ बेस पे हम अपना वीडियो बनाते हैं। अगर आप अपना खुद का वीडियो अकेले बनाते हो तो फेमस नहीं होता, आपको ड्यूएट्स बनाने पड़ते जब भी आप फेमस होते हो। हम अपने सेल्फ बेस पे सेल्फ स्क्रिप्टेड सेल्फ वीडियोस बनाते जब भी हमको लाइक्स व्यूज और सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। आप जैसे नहीं कुछ भी मुजरा करके कुछ भी करके लाइक्स, और आप लोग कभी भी अकेले नहीं बिकते भाई, आप लोग कभी झुंड में ही बिकते हो, उतना याद रखो, झुंड के बिना आप कुछ भी नहीं हो। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। गाइस यार कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है, आप लोग ने किया, हम लोग ने स्पोर्टिंगली लिया, तो अब आपकी बारी, आप लोग भी सारी चीजें स्पोर्टिंगली लेना। रही बात स्पोर्टिव की, जब कैरी भाई का वीडियो आता तो तुमने क्यों IGTV का वीडियो डिलीट कर और अपने पूरे पोस्ट टर्न ऑफ कमेंट क्यों कर दिया भाई। जब जाओ भाई, पढ़ो भाई, एक बार पढ़ो, जाओ तुम्हारे टिकटॉक पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, एक बार उसको रिप्लाई दे रहे भाई, एक बार स्पोर्टिव बन के देखो। अब कहाँ गई आपकी स्पोर्टिव की बात। मैं जितने लोग वो यूट्यूबर्स है जो तुमको ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते। तो अगर हम यूट्यूब पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। आज डीके बॉस वाले गाने में तुम नंगा नाच करते हो और उसे मीनिंगफुल रोल कहते हो, वो मीनिंगफुल नहीं, वो डबल मीनिंगफुल रोल था, शर्म नहीं आई तुझे? क्या तुम ये कंटेंट डालोगे यूट्यूब पे आएंगे तो बोलो। बस मुझे पोटी आ रही है बहुत तेज, मैं क्या करूं गाइस, मैं गंद मचा रहा हूं। मीठा, मैं टिकटॉक पे आग लगाने आया हूं। कितना मीठा दूध पीती बच्ची, बहुत ज्यादा मीठा पापड़ की शक्ल का। अरे कौन है, बोलता क्यों नहीं? कोरोना चलो यहाँ से, बेवकूफ मेंटल इंसान। ये समझ नहीं आ रहा लास्ट वीडियो में ये जोकर, मतलब ये मुजरा जोकर वाला बता क्या कर रहा था, दूसरे बच्चे क्या सिखा रहा था, कुछ ही समझ नहीं आता भाई। ये कुछ भी कर लेता है, इसके बारे में तो बात ही मत करो, ये चिपकली शक्ल को पहले से अच्छा है। अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है, तो ये दुआ करो कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए। #fashionshow#fashionweek#cool#behearted#gentleman तुम्हारा एंगेजमेंट क्यों ज्यादा है? ये पहले आपने जो वीडियो देखी थी ना, पहली बात कैरी की,
वीडियो से हमने निकाला था और मैं इसलिए तुम्हारी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होती है। हैशटैग स्कर्ट ये कौन लिखता है भाई, और अच्छा हुआ आपने कुछ और नहीं लिख दिया। और हम बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंस की, हम इनसे सीखते हैं इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं। आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे ना तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाएंगे, पैसे दिखाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े दिखाएंगे। ये एक्चुअल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जॉब ये नहीं होता। तो ये है आपके इन्फ्लुएंसिंग का मतलब, फिर आपके प्रोफाइल में जो गंद मची है उसका मतलब क्या है भाई। अगर तुम्हारे टिकटॉक में एंगेजमेंट उतना अच्छा है तो टिकटॉक में कर लेते लाइव, टिकटॉक में डाल लेते इतना बड़ा वीडियो। इंस्टाग्राम में क्यों है, टिकटॉक में दम नहीं है क्या तुम्हारे? बोलिए तो पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत। वेट अ मिनट, हु आर यू? कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत, जो कि आप लोग नहीं करते हो, हम लोग जरूर। दिन में 10-15 वीडियोस तुम डाल रहे हो और बोल रहे हो पैसे और व्यूज के पीछे हम भाग रहे हैं। आप हमारे यूट्यूबर्स का लिपसिंग करते हो और बोलते हो कंटेंट तुम्हारा है। दूसरों के गाने के ऊपर मुजरा करके नाचते हो और बोलते हो कंटेंट हमारा है। ये कैसे चलेगा भाई? और एक के बदले चार कैसे बोल दिया, यही सीखा था क्या तुमने मॉस्को में 6 साल? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम अगर किसी को बोलना चाहते हो तो डायरेक्ट उसको बोलो, पूरी कम्युनिटी के बीच में मत लाओ। एक्चुअली आमिर बोलना था यूट्यूब रोस्टर्स को बोलना था, पर इन्होंने पूरे यूट्यूब कम्युनिटी को बीच में ला दिया, जिसकी वजह से इनकी अब फट रही है। और एक बात रही तो यूट्यूबर का फैन और यूट्यूबर दोनों में बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, इससे यूट्यूबर का फैन बेस बहुत तगड़ा होता है। तो कभी भी बात करनी हो ना सोच समझ के बात कर। और भाई आप ही बोल दो किसकी गलती है यहाँ पे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल देना कौन सही है और कौन गलत है। और नेक्स्ट मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज डू शेयर।